आपने हम जर्नलिस्ट को समझ के क्या रखा है? पिछले 6 महीने से मैं आपके घर और ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ और आप है जो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकते। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ, जानती हूँ आज भी आप मुझे टालने के लिए एक नया बहाना बना रहे, मगर मैं भी तय करके आई हूँ कि आज आपका इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए। देखिए, मैं देखने नहीं, पूछने और सुनने के लिए आई हूँ। पहले ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब, कैसे और किन हालातों में की? क्या अभी भी इस उम्र में आपका वही जोश वही उमंग है? उम्र 50 को पार कर चुकी है मगर दिल अभी भी जवान है, सीने में प्यार का तूफान है। माशाल्लाह, वैसे तो आप भी जवान हैं। शट अप, मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारी घटिया और गंदी शायरी सुनने नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आती है, लेकिन जब कोई जवान लड़की सामने आ जाती है तो अपने आप चली जाती है। ए मिस्टर, सॉरी, आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी तो मैं आपको बता देता, मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। एक नंबर का मुनाफाखोर हूँ, आई मीन लेन देन के मामले में एकदम साफ है। इस तरफ से लेता हूँ तो उस तरफ से दे भी देता हूँ। जैसे बस कीजिए, मैं सब समझ गई। तो फिर छोड़ दीजिए ना 2% की नौकरी और ज्वाइन कर लीजिए हमारी कंपनी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा और तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? एक नंबर के लुच्चे लफंगे आदमी हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारी नियतों को जान चुकी हूँ। अब तुम इंतजार करो हमारे इशू का, जिसमें तुम्हारे काले कारनामों की दास्तां छपेगी। गुड बाय। नहीं, अरे 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 सुनिए, ओह माय गॉड, क्या समझता हूँ अपने आप को, एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेठ के यहाँ काम करते हैं, ड्राइवर होंगे शायद? अरे ऐसा गिरावा जलील इंसान है आपका मालिक विजय, क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं, ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए। अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है। देखिए देखिए, लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है, आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए। देखो, तुम्हारी भला इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार, वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप भी देता। अरे ये क्या बोलती है चड़ी। हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई, आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। सी यू। सी यू। बाय। अरे ऑल द बेस्ट यार। तेरी जुल्फों के पेचो खम तेरी जिंदगी से कम नहीं, जितनी सवारी है उतनी उलझती चली जाती है। किसकी जिंदगी उलझती जा रही है मामा? तेरी जिंदगी भांजे, अपनी जुल्फों के बारे में नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कल के बारे में सोच। अरे क्या हुआ है मेरी जिंदगी को, फर्स्ट क्लास तो है, एक करोड़पति बाप की एक लौती औलाद हूँ, और क्या चाहिए। करोड़पति के आगे का क हटाने से आदमी रोड़पति हो जाता है। वो दिन दूर नहीं जब तेरे हाथ में तेरा बाप इस बंगले की चाबी नहीं भीख का कटोरा थमा देगा। मामा, don't talk rubbish about my dad. Okay, चिल्ला। मामा पे तो तेरा बाप भी चिल्लाता है, तू भी चिल्ला। बाद में ये मत कहना कि मामा ने खतरे से पहले सायरन नहीं बजाया था। मामा आप, ओ माय गॉड, बहुत लेट हो गया। वाह, इनकी जिंदगी में आग लगी है और दूसरों की आग बुझाने चाह रहे हैं। मधु जी। अरे नहीं नहीं, मैं मधु नहीं हूँ, मैं तो अनु हूँ, अनीता, अनीता पोड़मल धोड़मल छपटमल घिसवानी, मधु की फास्फड़े। अरे तुम बाहर क्यों खड़ा है साईं, अंदर आओ ना। अच्छा 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 अच्छा, अरे बैठो ना बाबा। क्या लेगा, रगड़ा पैटीज पकोड़ा पापड़? No thanks. अच्छा ठंडे में क्या लेगा, ऑरेंज लिमका गोल्ड स्पॉट आइसक्रीम टूटी फूटी? जी नहीं, कुछ नहीं शुक्रिया। कुछ नहीं। नहीं।
साई शर्म आ रही है, मेरे को तो नहीं आ रही है। जी मधु जी, घर में हम दोनों किसी और कोई नहीं है। तो फिर मधु जी क्या कर रही है, अभी तक सो रही है? अरे ना ना है? वो चड़ी तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। ओ वेरी गुड, तो फिर अभी एक्सरसाइज कर रही होंगी। अरे एक्सरसाइज करती तो मेरे जैसा फिकर नहीं होता। यह तो हो सकता है कि वो गाना गा रही है, ये भी हो सकता है कि वो कर रही है। अरे बाबा, लड़का लड़की अकेले में क्या करता है, पप्पी लेता है नी। अब देखो तुम मेरे साथ वैसा गड़बड़ नहीं करना, मैं तो मेरे को शर्म आएगा। आपका मतलब ये है कि मधु जी कहीं गई हुई है और मैं खामा का अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ? अरे बर्बाद किधर करता है, मैं है ना तेरे सामने। Don't talk rubbish. आपने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मधु जी घर पे है नहीं। अरे हमने तो तुमको पहले ही बोला था, हम दोनों के सिवा इस घर में कोई नहीं है। अच्छा आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएंगे कि मधु जी कहाँ गई हैं? अरे तुम एड्रेस का बात करता है, मधु ने तो टेलीफोन नंबर क्या उसका नाम तक नहीं बताया, बस जाते वक्त खबर छबर में बोल गई थी कि किसी ने उसको और उसने किसी को दिल दे दिया है। May I come in? Yes, come in. शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसट है और औरतों का शिकारी है जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया? और मेरा? आपने तो वो कमाल किया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। रातों रात आपने मुझे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। वाह मधु जी वाह। देखिए प्लीज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपकी तारीफ किया जा रहा हूँ और आप शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। मुझसे भूल हो गई, अब आप जैसा बदला लेना चाहे ले लीजिए। अरे आप तो रोने लगी, मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। ये मेरे लिए अनमोल मोती है, इन्हें यूज आया ना कीजिए। आप ही ने तो मुझे रुलाया था। तो बताइए हंसाने के लिए क्या करना होगा? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, अखबार में छपी हुई बात गलत थी। सभी कुछ तो गलत नहीं था, कुछ बातें सच भी थी। वो क्या? वो ये कि विजय कुमार बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। लड़कियों की तो नहीं, हाँ एक लड़की की तलाश में जरूर है जो बिल्कुल मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी हो। इस हादसे ने मेरी इस चाहत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने तो मैं हूं। क्या आप मेरी चाहत नहीं हो सकती? आपका मतलब मैं? यूं समझिए कि तेरे दिल ने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। पांजे, नथु ने फुलाने से कुछ नहीं होगा। ये साला वही है जो तुम्हारी मलाई भरी प्लेट को तुम्हारे सामने से ही लेके जा रहा है। इससे पहले कि ये मलाई खाना शुरू करे तुम उसकी मलाई में मक्खी डाल दो। मतलब? ओ, अंग्रेजों के मुल्क में रहकर भी ये बात नहीं समझे। डिवाइड एंड रूल। पहली जीत मुबारक हो मिस्टर राजा। साथ ही एक नसीहत भी सुन लीजिए, जीत की खुशी जाहिर करना अच्छी बात है लेकिन मगरूर होना मुनासिब नहीं। गिर गया सर। क्या? बैग। मैं समझा आप। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भारत सरकार के असली नोट है। ये रुपए क्या विजय बाबू ने दिए हैं? अरे छोड़ो विजय बाबू को, वो क्या इतने रुपए देंगे, ये तो राजा बाबू है जिन्होंने कांच के ढेर में से मुझ जैसे हीरे को पहचान लिया और मेरी कीमत लगा दी। कीमत नहीं लगाई उन्होंने, बल्कि कुत्ते के सामने रोटी फेंकी है। लक्ष्मी चीखो मत, ये पकड़ो, इधर आओ, ये देखो। ये सब किसने दिया? विजय बाबू ने। विजय बाबू ने? हाँ, और कहा है कि सीमा की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? खुद गर्जी में अंधे होकर तुमने सिर्फ अपना ईमान ही नहीं बेचा बल्कि विजय बाबू जैसे देवता के साथ
विश्वासघात भी किया है। नहीं। तुम मकार हो, पापी हो, तुम पापी हो, तुम मकार हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए विजय बाबू, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। मैं मैनेजर नहीं वाले, मैं आपका गुनहगार हूं। मैंने आपको बहुत धोखा दिया है, मुझे मर जाने दीजिए मालिक, मुझे मर जाने दीजिए। प्रायश्चित इंसान के पापों को मिटा देता है। वो बुजदिल होते हैं जो अपने पापों को मिटाने के बजाय खुद को मिटा देते हैं। आपने अपनी गलती कबूल कर ली, हमने आपको माफ कर दिया। क्या आपने मुझे माफ कर दिया मालिक? हाँ, और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। आज से टेंडर पर साइन भी आप ही करेंगे। आप धन्य हैं मालिक, मेरी उम्र भी आप ही को लगी है मालिक, मेरी उम्र भी आप ही। बिजनेस हमने भी किया है बेटे, और अपने जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं हम। लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किसी के साथ घटिया चाल नहीं चली, जैसी तुमने विजय के साथ चली है। विजय, 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 आखिर गायर के लिए आपके दिल में इतनी जगह क्यों है? ईमानदार इंसान के लिए हर दिल में जगह होती है बेटा। अगर तुम भी विजय की तरह कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो जाओ और ईमानदारी के साथ सारे टेंडर्स विजय के नाम ट्रांसफर कर दो। ये होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। राजा, मेरा बेटा राजा, राजा क्या हो गया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राजा होश में आओ, राजा डॉक्टर को बुलाओ। राजा बोल बेटा बोल। देखिए विजय कुमार की हिम्मत, अब तो आपके खून से भी होली खेलने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जरूर राजा की कोई गलती होगी। विजय कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप विजय को कितना जानते हैं आज मैं ये जानकर रहूंगी। मेरे बेटे के खून से बदबू आती है और उस कमीने के पसीने से महक आती है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। एक बाप अपने बेटे के खून को बहता हुआ देख सकता है मगर माँ नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ।